हेलो एवरीवन। तो कैसे सब लोग और गेमिंग साइड में आप सबका एक बार फिर से वेलकम। और आज के इस गेम प्ले में हम कुछ जो है वो डिफरेंट करने वाले हैं, और डिफरेंट कुछ इस तरह से है कि लास्ट टाइम हमने लाइमस्टोन जो थे उस उनको जो है वो कर किया था अपना उनको कलेक्ट किया था, माइन किया था। और यहाँ पे जो प्रॉब्लम ये आ रही है कि जितने लाइमस्टोन हमारी फार्म की साइलों में स्टोर हो सकते थे वो हो चुके हैं, और अब मज़ीद जो है वो उसमें शायद जगह नहीं है, क्योंकि ये भी एक कैपेसिटी है फार्म की साइलोज़ में। तो वो इसलिए थे कि ताकि हम जो हैं वो ओके। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसकी कैपेसिटी नहीं है, लेकिन अभी कैपेसिटी नहीं है तो जो हमने स्टोर करने थे वो तो हमने कर लिए, और लेकिन अब जो बाकी के लाइमस्टोन्स हैं, अब इस ट्रेलर को खाली करना है तो उसके दो पॉसिबल सॉल्यूशंस हैं। फोर्सफुली मैं शायद इसमें अनलोड नहीं कुछ कर सकता, तो उसका एक सिंपल सॉल्यूशन ये भी है कि मैं इसमें थोड़े से और जो है वो लाइमस्टोन उनको फिल करूं। अरे यार ये क्या, इसमें फिजूल सा एरर आया हुआ है। खैर, तो इसमें और लाइमस्टोन डालूं और उन लाइमस्टोन को फिर मैं सेल कर दूं। यार ये छोटा सा दरख्त है और इतनी बड़ी मशीन है, लेकिन फिर भी वो इससे ऐसे टकरा रही है कि जैसे ये दरख्त पता नहीं किस चीज़ का बना है। ओके जी, तो यहाँ पे हम तो भैया बड़ी बड़ी गाड़ियों से काम करने वाले हैं एक बार फिर, और यहाँ पे इसको प्रॉपरली मैं पार्क कर दूँ ताकि जो है वो बाद में क्रेन जो है वो उसका आर्म जो है एक्सकेवेटर का वो आसानी से इस तक पहुंच सके। ओके, तो बैठ भी जाओ। अभी हम करते हैं इसमें कुछ मज़ीद लाइमस्टोन लोड। वैसे हम काफ़ी जल्दी जो है वो कंज्यूम कर रहे हैं अपने लाइमस्टोन। तो ये भर चुका है। नो ओके, थोड़ा सा इसको आगे ले चलते हैं। तो ऐसे करके हम इसमें जो है वो अपने लाइमस्टोन जो है वो भरते जाएंगे। आगे उल्ट क्यों जा रहा है, इस तरफ को आओ। ओके, थोड़ा सा इसको ऊपर उठा लेते हैं ऐसे करके, और यहाँ पे फिर हम अनलोड कर देंगे एक बार फिर से। और ऐसे ही हम काफ़ी बड़ा जो है इसका ये शवल है, तो ज़्यादा देर डेफिनेटली नहीं लगती। तो इसको एक बार फिर से हम उठा लेते हैं यहाँ से। तो इतना बड़ा शवल है तो डेफिनेटली दो से तीन ही इसमें पड़ने हैं, और जो है ये फिल हो जाएगा हमारे पास। तो यहाँ से अच्छा, जैसे जैसे मैं इसको यूज़ करता हूँ मैं इससे यूज्ड टू होता जा रहा हूँ। पहले पहले जो है वो मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ कंट्रोल्स में, और एक मेरा माउस जो है उसकी सेंसिटिविटी भी थोड़ी सी कम है, क्या बोलते हैं यार उसको, DPI भी उसकी कम है काफ़ी। ओ नो, अरे ये क्या था, ओ माय गॉड, व्हाट द हेल वाज, नो 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 नो, इधर मत फेंक रे यार, मैं तो कसम से डर गया एकदम से, पता नहीं क्या हो गया था इस ट्रेन को। तो ऐसे छोटे मोटे ग्लिचेस जो हैं वो आते रहते हैं डेफिनेटली। अब ऑफिशियली इस गेम में ये काम तो कभी हो नहीं सकता था, हम इसमें फोर्सफुली ही तकरीबन ये काम कर रहे हैं। अरे नहीं, तो खैर ये गेम डिज़ाइन नहीं की गई थी इस चीज़ के लिए जो हम इसमें काम कर रहे हैं, इतनी बड़ी बड़ी मशीन्स, तो छोटे मोटे ग्लिचेस जो हैं वो आ जाते हैं। तो अब हम क्या कर सकते हैं, लाइमस्टोन को हम यहाँ पे सेल कर सकते हैं, क्योंकि भैया ये तो है माइनिंग एंड कंस्ट्रक्शन इकॉनमी, और हम कोई चीज़ माइन करें उसको सेल ना कर पाएँ तो ये तो फिर ठीक नहीं था। तो इसको हम ले कर चलते हैं, देखते हैं कि पहले प्राइस हमें किधर से इनकी अच्छी मिलेगी।
तो लाइमस्टोन है मेरे पास, हालांकि यहाँ पे नाम नहीं लिखे हुए कहीं पे भी, लेकिन हम तस्वीर देख के, आइकन देख के गैस कर लेते हैं कि कहाँ पे है इसकी मैक्सिमम प्राइस हमें मिल सकती। तो ये हमें मिल सकती है हार्बर ट्रांसपोर्ट कंपनी। अब ये कहाँ है अभी हमें मैप पे देखना पड़ेगा। ओके जी, हार्बर ट्रांसपोर्ट कंपनी कहाँ है? ओ तेरी, ये तो बहुत ज़्यादा दूर है। खैर, तो हम चलते हैं यहाँ से और चलते हैं हम अपनी हार्बर ट्रांसपोर्ट कंपनी की तरफ और देखते हैं कि हमें कितने पैसे मिल सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में हम जो है वो लाइमस्टोन लेके जा रहे हैं और रेट भी तकरीबन ठीक ठाक है लाइमस्टोन्स का। एक बार फिर से देख लेते हैं कि हम जा किस तरफ रहे हैं। ओके, एटलीस्ट हम थोड़ी सी बेहतर डायरेक्शन में जा ही रहे हैं। तो इसको लेके चलते हैं हम अपने सेलिंग पॉइंट पे। ओके जी, तो यहाँ पे आ चुकी है हमारे पास एक प्रॉब्लम। प्रॉब्लम ये है कि मुझे यहाँ से केयरफुली ड्राइव करना पड़ेगा। ओके, तो इतनी बड़ी प्रॉब्लम थी नहीं। नो, एक और है आगे बिल्कुल इसी तरह का। और ये तो यहाँ से आई डोंट थिंक कि ऑफिशियली ट्रेन कभी गुजरा करती थी ओरिजिनल मैप में। ओके, तो हमें कहाँ पे जाना है और हम कहाँ पे पहुँच चुके हैं? ओके जी, तो यहाँ से हमें ये वाली सड़क लेनी है और वो जहाँ पे हमें ग्रीन कलर का मार्क नज़र आ रहा है वहाँ पे इसको लेके चलना है। ओके, तो मैं गलत रास्ते पे ले आया हूँ इसको। अब पता नहीं ये यहाँ से गुजर रहे कि या नहीं, काफ़ी चौड़ी है ये। ओह नो, तो ये ट्रेन के थ्रू सेल होना था शायद। और ओके, काम बन ही गया तकरीबन। ओके, देखते हैं हमें कितने पैसे मिलते हैं इसके, इतने ज़्यादा लाइमस्टोन के। तो ओ बॉय, 2,18,922 डॉलर्स। वाव, मतलब लिटरली अगर मैं 2-3 लाख से स्टार्ट करता ये मैप तो अच्छा खासा जो है वो मैंने प्रॉफिट गेन कर लेना था इससे। आई मीन मैंने इतनी जो है वो मनी हैक की इसमें। तो खैर, बेसिकली हमारा मकसद है फन, फन के लिए ही हम इसको खेल रहे हैं। तो सीरियस इकोनॉमी का क्या अचार डालना था, तो फन के लिए हम इसको बड़े ही मज़े से इंजॉय कर रहे हैं और मुझे लगता है कि यहाँ पे हम फंसने वाले हैं। ओके जी, तो समहाउ हम यहाँ से निकल आए हैं, लेकिन ये रास्ता ट्रेन के लिए है तो हमें अपने रास्ते जाना चाहिए ना कि ट्रेन के रास्ते। तो वो सामने शायद आप लोगों को भी नज़र आ रही हो, माइनिंग माइनिंग साइट जहाँ से हम आए थे। और अभी हमें जाना है वापस। लाइमस्टोन तो भैया बहुत हमने कर लिए माइन, अब बारी है कुछ और माइन करने की। अब हम माइन करेंगे एस्फाल्ट। तो एस्फॉल्ट की बारी है अभी। ओके गाइस, तो वापस आ गए हैं हम अपनी माइनिंग वाली जगह पे और यहाँ पे अभी हमने
करना है एसफॉल्ट को माइन। अब बाकी चीज़ें भी हम आहिस्ता आहिस्ता करके करेंगे, डेफिनेटली करेंगे, और भी बहुत सी चीज़ें करेंगे। अभी तो हमने इसमें गोल्ड माइनिंग करनी है, बहुत से काम जो हैं वो करने वाले हैं इस गेम में। तो ऐसा तो नहीं है कि ये मैप बस छोटा सा है और एक दो काम करके आप फारग। इसमें बहुत बड़ा मैप है, बहुत सी चीज़ें कर सकते हैं। अभी आपने लिस्ट देखी होगी कि हम इसमें कितनी चीज़ें बना सकते हैं, तो वो सारे काम जो हैं वो हम करने वाले हैं इसमें, इस गेम में। तो डेफिनेटली उसमें अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि हमें रिसोर्स वगैरह भी कलेक्ट करने पड़े। मैं पर्सनली गेम खेल के रिसोर्स वगैरह कलेक्ट कर रहा हूँ, और जब अच्छे खासी चीज़ें हो गई और हम रेडी हुए वो सब काम करने को, तो हम डेफिनेटली बाकी के काम जो हैं वो भी करेंगे। तो इस वेरी स्लो मशीन को अभी हमने आहिस्ता आहिस्ता लेके जाना है जहाँ पे आपको स्पार्ट नज़र आ रहा होगा काला काला। तो पता नहीं ये किस ज़माने में या वहाँ तक पहुँचेगी, दुआ करो 2020 के अंत तक पहुँच जाए। चल पड़े चल पड़, ये क्या मुसीबत है यार, ये बहुत स्लो है। ओके ऑलमोस्ट पहुंचने वाले हैं, ऑलमोस्ट पहुंचने वाले हैं। ओके तो ये जगह भी मुझे थोड़ी सी डेंजरस लग रही है। पहुंच तो गए हैं हम यहाँ पे, लेकिन ये मुझे थोड़ी सी जगह बैलेंस नहीं लग रही। आई डोंट नो कि क्या बनेगा यहाँ पे हमारा। ओके अबे रुक जा कहीं पे, तो रुक जा। ओके तो यहाँ पे इसको थोड़ा सा हम स्टेबल कर लेते हैं, आई गेस कि यहाँ पे हो ही चुकी है ये। तो अभी हमने इसको तो मूव कर लिया है, तो अभी हम अपने ट्रेलर को जो है वो भी यहाँ पे मूव कर लेते हैं जिसमें हमने डेफिनेटली इसको कलेक्ट करना है। उसको हम सिंपली यहाँ से रिवर्स कर लेते हैं, इसकी स्पीड फिर भी उससे काफ़ी ज़्यादा है, और हालांकि रिवर्स जा रहा है लेकिन फिर भी उससे खासा फास्ट है वो। उसकी स्पीड बेशक कैसी भी है लेकिन वो बहुत ज़्यादा बल्की है, और कंट्रोल फिजिक्स भी उसकी जो है वो डिफरेंट है थोड़ी सी, तो उस वजह से उसको कंट्रोल करना जो है वो खासा मुश्किल है। ओके तो यहाँ पे हम इसको खड़ा कर लेते हैं ऐसे, और वापस चलते हैं अपने। अरे यार अबे कहीं से तो बैठने का ऑप्शन दे, इतनी बड़ी है। हालांकि इसके करीब जाके मैं बिल्कुल बैठने का बटन दबा रहा हूँ लेकिन फिर भी वो उसमें मैं बैठ नहीं पा रहा। तो यहाँ पे अभी फाइनली मुझे टैब के थ्रू स्विच करना पड़ा। अच्छा ये जगह मेरी है भी या नहीं, तो ये भी एक चेक करने वाली चीज़ है। ओके आई गेस कि मुझे ये एरिया भी परचेज करना पड़ेगा लास्ट टाइम की तरह, अभी मैं फिर मिस्टेक नहीं करने वाला। ओके तो ये एरिया भी मुझे जो है डेफिनेटली बाय करना पड़ेगा, और जैसे ही हम इसको बाय करेंगे तो आप देख सकते हैं कि इसमें जो है वो हमारा एस्फाल्ट जो है वो आना शुरू हो गया। अबे ओ ऊपर को क्यों नहीं जा रहा तू गुरु, नो अबे यार इसको थोड़ा सा हाइट पे रखना पड़ना। ओए काम कर रहे, वाह 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 सो पड़ी है यार ये तो, मैं भी परेशान हो रहा था। ओके तो ऐसे तो अपना काम चल जाएगा, जुगाड़ लग जाएगा अपना, जुगाड़ लगाने में तो हम वैसे भी बड़े माहिर हैं। अबे यार ये क्या अजीब कंट्रोल है यार इसके, नो अबे थोड़ा सा पीछे अभी ठीक यहाँ पे जबरदस्त। तो एक बार फिर से अभी देखा थोड़ा सा, जैसे जैसे इसको यूज करोगे आप तो कंट्रोल जो है वो
की आदत होती जाएगी आपको, अभी थोड़ा सा और 100% परफेक्शन अगर आम को हम यहाँ पे ये जबरदस्त नीचे करते हैं अभी तो इसको जरा सा नीचे टच कर रहे हो तो ये ऐसे नाचने लग जाती है, कमाल है। ओह नो, मैंने वहीं पे गिरा दी, व्हाट द हेल आई एम डूइंग, क्या कर रहा हूँ मैं, बहुत ही कंफ्यूज हो गया मैं। अरे यार ये तो मैं कोल, व्हाट द हेल, मैं कोल को एस्पार्ट समझ के कर रहा हूँ, collect what the hell I'm doing. ओके तो आधा ही सही, कुछ तो अनलोड होगा ना इसमें, पता नहीं मुझे नज़र नहीं आ रहा यहाँ से प्रॉपरली। इसका कैमरा एंगल जो है वो हम चेंज कर लेते हैं, ये शायद कुछ बेहतर है, somehow कुछ किसी की हद तक बेहतर है, अगर उसमें फ्लेक्सिबल है तो। अभी ठीक है, नहीं ये बहुत बकवास कैमरा है, इससे हम कुछ नहीं करने वाले, कर सकते। हाँ ये ठीक है, बैलेंस नहीं है ये उस वजह से मैं हर बार ही जो है वो कंफ्यूज हो जाता हूँ कि उठाऊँ उठाऊँ कहाँ से उठाऊँ। तो खैर हमने मिस्टेकनली एस्फाल्ट को जो कोल को जो है एस्फाल्ट समझ के वो कलेक्ट करना शुरू कर दिया है, तो अभी मैं कंफ्यूज था, मुझे नहीं पता चला, मुझे लगा कि शायद ये जो है वो एस्फाल्ट ही है क्योंकि बेसिकली दोनों का टेक्सचर कलर वगैरह तो जो है वो सेम ही है। ओके तो नेवर माइंड, अरे यार ये क्या कर रहा है। ओके ये कहाँ कर रहा है, कर तो मैं ही रहा हूँ लेकिन मैं अपने माइंड से पूछ रहा था कि मैं क्या कर रहा हूँ। ओके आई गेस कि इससे ये फुल हो जाएगा, हो चुका है, हो जाएगा नहीं तो बाकी का जो है वो हम इधर ही कहीं पे गिरा देते हैं। ओके जी तो कोल हमने कर लिया है कलेक्ट, अब नेचर में इस तरह से रिसोर्स पड़े तो नहीं होते लेकिन खैर। अरे ये क्या है, इसको ही कहीं कॉल नहीं बोलते। ओके तो देख लेते हैं, यू नो ये क्या बताएं, आई एम वेरी कंफ्यूज राइट नाउ। ओके तो यही है कोहले इधर लिखा हुआ है, डेफिनेटली ये मैंने तो मूव नहीं बनाया, पता नहीं किसने बनाया है, तो जिसने ये कहीं पे दिखता भी है, नो ये तो कहीं पे भी नहीं दिखता, इसकी तो प्राइस है ही नहीं कहीं पे भी। तो अभी हम इसको यहाँ पे कहीं पे अनलोड करने की कोशिश करते हैं, डेफिनेटली जो हमारी माइनिंग वाली जगह है वहाँ पर हम इसको कहीं पर प्रॉब्ली शायद स्टोर कर पाएँ, वरना मुझे लगता है कि हमने ये मेहनत एवं इतनी फारिश खूब खाते ही डाल दिए। अभी देखते हैं कि इसको हम यहाँ पे कहीं पे अनलोड कर सकते हैं या नहीं। खैर तो अभी हम जो है आज के गेम प्ले में जो है यही काम कर सकते हैं। नेक्स्ट गेम प्ले में हम डेफिनेटली या जो है वो मज़ीद चीज़ें ट्राई आउट करेंगे, लेकिन आज के गेम प्ले में हमने काफ़ी ज़्यादा टाइम वेस्ट कर दिया कॉल के ऊपर, और डेफिनेटली हाँ कॉल अगर इसमें है तो इसका डेफिनेटली कोई ना कोई यूज़ तो होगा ही, मैं इसको अभी वेस्ट नहीं करना चाहता, आप जाए इसके कि मैं इसको वेस्ट करूँ कॉल को,
इससे बेहतर है कि मैं इसको कहीं पे स्टोर कर दूँ, बेशक अपनी कोई फार्म साइड में स्टोर कर लूँ। मे भी हो सकता है मुझे बाद में किसी इंडस्ट्री के लिए इसकी ज़रूरत पड़े, हो सकता है मुझे अगर कल को गोल्ड के लिए या कोई और, जैसे एक फार्मिंग सिमुलेटर 17 में एक मैप था कंटेम्परेरी इन्फिनिट, और वहाँ पे जो है आपको अगर आपने कुछ चीज़ें मैन्युफैक्चर करनी होती थी तो डीजल एज अ फ्यूल यूज़ होता था, हो सकता है इसमें कोल एज अ फ्यूल यूज़ होता हो। तो डेफिनेटली ये फेंकने के अब चीज़ नहीं है, अब मैंने इतनी मेहनत की तो इसको फेंकने के वाला नहीं हूँ। तो आज का गेम प्ले फिर इस हिसाब से थोड़ा सा शॉर्ट ही हो गया है बाय डिफ़ॉल्ट ही। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा, और नो ओके ठीक है। अबे यार ये क्या कर रही है। ओके तो जैसे तैसे करके चढ़ आइए ऊपर। तो अगर वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए करें, और न्यू है मेरे चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको ऐसी और बहुत सी वीडियोस देखने को मिले। मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।